नवरात्र में मां की भक्ति का नजारा तो हर तरफ देखने को मिलता ही है, साथ ही कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है। बालू जिले के गुंडरदेही नगर के हटरी बाजार स्थित चंडी मंदिर भाईचारे और कौमी एकता का प्रतीक है, जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ पूजा करते हैं। लगभग 100 सालों से चंडी मंदिर से मजार में पहली चादर चढ़ती है। सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना का माहौल रहता है। कई सालों से मुस्लिम समाज के लोग चंडी मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग हर त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। यहाँ मंदिर से कुछ दूरी पर मजार स्थित है, जहाँ पर दोनों समुदाय के लोग एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में माता की मूर्ति के साथ साथ मुस्लिम धर्म सैयद बाबा की चादर भी लगी हुई है, जिससे यहाँ के लोगों में भाईचारा और एकता स्पष्ट नजर आती है। ऐसा बताया जाता है कि गुंडरदेही नगर के रामसागर तालाब से माता चंडी की मूर्ति के साथ साथ सैयद बाबा की चादर भी मिली थी। लगभग 100 सालों से पहले जब ये मिला, तब से ये यहाँ पर स्थापित है। यहाँ के राजा स्वर्गीय निहाल सिंह के पूर्वज इसे स्थापित किए थे और तब से यहाँ के लोग माता की पूजा भी करते हैं और इस चादर पर शीश भी नवाते हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से जब से वो यहाँ रह रहे हैं, उनके पूर्वजों से पहले ये माता का मंदिर स्थापित है, जो राजा निहाल सिंह के पूर्वजों ने स्थापित किया था। साथ ही बाबा सैयद की चादर लगी हुई है, जिसे लेकर यहाँ काफी भाईचारा है। बताया जाता है कि ये लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं और लोभान भी। यहाँ दोनों धर्मों के अनुयायी एक दूसरे की धार्मिकता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो चंडी मंदिर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। अमन शांति का प्रतीक बना हुआ चंडी का मंदिर निश्चित तौर पर बेहद अद्भुत है।